हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मगनलाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में हम कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों में दो प्रकार के क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड और कीटोन उपस्थित होते हैं। एल्डिहाइड में कार्बोनिल जो समूह है उस पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है और उस हाइड्रोजन परमाणु के जुड़े होने के कारण एल्डिहाइड का आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन परमाणु के जुड़े नहीं होने के कारण कीटोनों का आसानी से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। हम ऑक्सीकरण के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है टोलन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। टोलन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनीकृत जलीय विलयन है उसको हम टोलन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनिया को जब हम जल में घोलते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इस सिल्वर नाइट्रेट को जब हम इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घोलते हैं तो ये एक संकुल बनता है, AgNH3 का होल ट्वाइस OH। ये जो संकुल है इस संकुल को हम टोलन रिएजेंट कहते हैं। इसका हम सूत्र इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। ये टोलन अभिकर्मक है और इस टोलन अभिकर्मक के जब हम एल्डिहाइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत कर देगा और खुद टोलन अभिकर्मक का जिसमें सिल्वर Ag+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका सिल्वर में अपचेन हो जाएगा। रिडोक्स अभिक्रियाएं, हम जानते हैं कि रिडोक्स अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। एक कंपाउंड का यदि ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है उसका कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण होता है और टोलन अभिकर्मक का अपचेन होता है। और इस टोलन अभिकर्मक की एल्डिहाइड के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेबोरेटरीज में भी हम इस रासायनिक अभिक्रिया को काम में लेते हैं कि दो कार्बोनिल कंपाउंड है अपने पास, उनमें से कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है इस बात का हमें अंतर करना हो या हमें पता नहीं हो कि दिया गया कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसकी पहचान यदि हमें करनी हो तो एक बहुत ही सिंपल रासायनिक अभिक्रिया होती है टोलन अभिकर्मक। टोलन अभिकर्मक की जब हम इन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यदि सिल्वर मिरर का निर्माण होता है तो दिया गया जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है और यदि सिल्वर मिरर का निर्माण नहीं होता है तो दिया गया कंपाउंड कीटोन है। तो ये एल्डिहाइड, इसकी हम टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्डिहाइड का तो एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो गया है और साथ में हमें क्या मिला है? सिल्वर Ag। CH3CHO, इसका तो क्या हो रहा है? CH3COOH में ऑक्सीडेशन। और Ag+ का क्या हो रहा है? Ag में रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया और एक रिडक्शन अभिक्रिया। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो रहे हैं और सिल्वर Ag+ जो कि AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस इस संकुल के रूप में उपस्थित था Ag+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो किसमें अपचयित हो गया है? Ag में। और ये जो Ag सिल्वर जो धातु है वो परखनली की दीवार के सहारे सारे सिल्वर धातु यहाँ पर चिपक जाती है और सिल्वर मिरर का निर्माण होता है, रजत दर्पण का निर्माण होता है। तो रजत दर्पण का निर्माण हो रहा है इसका मतलब
पॉजिटिव टोलन टेस्ट वो कंपाउंड दे रहा है। दूसरी जो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है वो है फिलिंग विलयन के द्वारा ऑक्सीकरण। फिलिंग विलयन दो विलयनों का मिश्रण होता है, फिलिंग विलयन ए और फिलिंग विलयन बी। दोनों विलयन समान आयतन में मिलाए जाते हैं। फिलिंग विलयन जो ए है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, CuSO4, कॉपर सल्फेट को हम किस में घोल लें, जल में घोल लें, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन फिलिंग विलयन ए कहलाता है। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन, जिसको हम रोसेल साल्ट भी कहते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जो क्षारीय विलयन है उसको हम बोलते हैं फिलिंग विलयन बी। जब हमें रासायनिक अभिक्रिया करवानी होती है तब हम इन दोनों फिलिंग विलयनों को आपस में मिला लेते हैं। समान आयतन में फिलिंग विलयन ए और फिलिंग विलयन बी दोनों को हम आपस में मिला लेते हैं। इन दोनों को पहले से मिलाकर इसलिए नहीं रखते कि दोनों को यदि हम पहले से मिला के रखेंगे तो फिलिंग विलयन है वो डिकम्पोज हो जाएगा, उसमें जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। इसलिए कॉपर के अवक्षेपण को रोकने के लिए हम इन दोनों विलयनों को अलग-अलग रखते हैं, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के क्षारीय विलयन को। इसमें दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो Cu2+ का टार्ट्रेट संकुल इस विलयन में उपस्थित रहता है, यानी कि जो टोलन अभिकर्मक था उसमें तो कौन से आयन उपस्थित थे, Ag+, और फिलिंग विलयन में कौन से आयन उपस्थित हैं, Cu2+। और जब हम इस फिलिंग विलयन की एल्डिहाइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्डिहाइड हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जब हम कीटोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कीटोनों का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। जो कॉपर का Cu2+ का टार्ट्रेट के रूप में जो साल्ट था वो CH3CSO यानी एल्डिहाइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, Cu2+ है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, Cu+ में। इसका तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और जो एल्डिहाइड था उसका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण। Cu+ है वो Cu+ से Cu2O के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, और क्यूप्रस ऑक्साइड का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, इजीली हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लाल रंग का जो अवक्षेप है वो यदि बन रहा है, इसका मतलब जो कंपाउंड है वो फिलिंग विलयन के प्रति पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, और यदि ये रेड कलर का अवक्षेप नहीं बन रहा है, इसका मतलब जो कंपाउंड है वो फिलिंग विलयन के प्रति नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। इसी प्रकार का ही एक दूसरा अपचयन अभिक्रिया हम यहाँ पर देखते हैं, बेनेडिक्ट विलयन। इसमें भी हम फिलिंग विलयन की तरह ही Cu2+ क्यूप्रिक आयनों का उपयोग करते हैं एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत करने के लिए। अंतर इतना होता है कि फिलिंग विलयन में तो जो Cu2+ हैं वो टार्ट्रिक अम्ल के साथ टार्ट्रेट संकुल के रूप में उपस्थित रहते हैं, और बेनेडिक्ट विलयन में जो ये Cu2+ आयन हैं वो साइट्रिक अम्ल है उसके साथ साइट्रेट संकुल के रूप में उपस्थित रहते हैं। बाकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो सेम ही होती है, एल्डिहाइड है वो Cu2+ के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड से RCWH कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाएंगे, और Cu2+ है वो Cu2O में अपचयित हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड है वो रेड कलर का अवक्षेप बनाता है। दोनों ही अभिक्रियाओं में, फिलिंग विलयन वाले में और बेनेडिक्ट विलयन वाले में। अगली अभिक्रिया है कि यदि हम एल्डिहाइड की कोई प्रबल ऑक्सीकारक में जो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, नाइट्रिक एसिड है, इनके साथ भी जब रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो भी वही रासायनिक अभिक्रिया होती है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत होता
हो जाते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है वो है बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही ऑक्सीकरण हो जाता है। एल्डिहाइड हैं वो बेयर विलीगर ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं और कीटोनों से एस्टर का निर्माण होता है। एल्डिहाइड से तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कीटोन से क्या बनेगा, एस्टर का निर्माण होगा। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण में जो हम अभिकर्मक काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं पर एसिड। क्या रिएजेंट काम में लेते हैं, पर एसिड। और पर एसिड जो रिएजेंट है, बहुत सारे रिएजेंट अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल और जो जिसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, वो होता है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है। इसकी मेटा स्थिति पर जोड़ दिया तो क्लोरीन जोड़ दिया तो ये क्या बन गया है, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। और मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ तो है ही और ओ एच, ये हम इसको इस प्रकार से लिखें। सी डबल ओ एच के स्थान पर सी ट्रिपल ओ एच, और मेटा स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये परोक्साइड बॉन्ड उपस्थित है। पर अम्ल का मतलब क्या है, ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्ट्रक्चर होती है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और जो पर एसिड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, ये परोक्साइड बॉन्ड उसमें उपस्थित रहता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, परोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, और पर एसिड में ये परोक्साइड बॉन्ड उपस्थित रहता है। तो पर एसिड में जो ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जुड़ जाती है। बहुत ही ईजी अभिक्रिया है। एल्डिहाइड में तो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो किसका निर्माण हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हट जाएगी और क्या बन गया, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड से क्या बन गया है, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, और एल्डिहाइड से क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन में दोनों तरफ जो आर आर जुड़े हुए हैं उसमें एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और फिर आर जुड़ जाएगा, तो कीटोन से किसका निर्माण हो गया है, एस्टर का निर्माण हो गया है। तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं और कीटोन किसका निर्माण करते हैं, एस्टर का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन किस तरफ जुड़ेगा, यदि दोनों ये आर समूह हैं वो अलग अलग प्रकार के हों, तो हम देखते हैं कि जो विभिन्न समूहों में जो ऑक्सीकरण के स्थानांतरण का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो है, यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक तरफ तो सबसे ऑक्सीजन उधर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन है, पीएच जुड़ा हुआ तो ऑक्सीजन उधर जुड़ेगा जहाँ पर पीएच है, यदि फिर टर्शरी कार्बन, फिर सेकेंडरी कार्बन और फिर प्राइमरी कार्बन, ऑक्सीकरण का ये घटता हुआ क्रम है। इस प्रकार का कोई कीटोन उपस्थित हो जिसमें एक तरफ तो है बेंजीन वाले और एक तरफ है मिथिल समूह, तो बेंजीन वाले में ऑक्सीकरण की जो दर है, ऑर्डर है, वो ज़्यादा है मिथिल समूह की बजाय, तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। हम इस बेयर विलीगर ऑक्सीकरण की क्रियाविधि को देखते हैं। ये परोक्साइड बॉन्ड जो देखा था हमने, उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु जिसके ऊपर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, वो इस कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा अटैक करेगा। जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ था वो हाइड्रोजन परमाणु इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। फिर एक एच प्लस है वो इस सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा, और जो परोक्साइड बॉन्ड है वो टूट जाएगा। परोक्साइड बॉन्ड के टूटने के बाद में ये जो एथिल समूह जुड़ा हुआ था, एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ था, वो इस कार्बन से माइग्रेट होकर
ऑक्सीजन पर चला जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, एस्टर का निर्माण हो जाएगा, और जो पर एसिड था उसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया है तो पर एसिड से तो एसिड का निर्माण हो गया है, और एसीटोन से एस्टर का निर्माण हो गया है। तो ये कार्बोनिल यौगिकों की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं थी जिनमें हमने देखा टोलन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण, फेलिंग विलयन के द्वारा ऑक्सीकरण, बेनेडिक्ट विलयन के द्वारा ऑक्सीकरण या फिर बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।